यहाँ पर लाइट बॉक्स आ रहा है, लाइट बॉक्स में से हम कोई एक मॉडल निकालते हैं। तो आज हम ये यहाँ पर डेमो सोल्जर करके एक मॉडल पड़ा है, इसको डबल क्लिक करना है। और जब आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये आपके व्यूपोर्ट पर आ जाएगा। कुछ पार्ट्स हैं जो कि पहले से बने हुए हैं, तो अब सब टूल समझते हैं इसमें कैसे काम करता है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप काम कर रहे होगे तो ये सब टूल है, सब टूल यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। जब इसको आप क्लिक करोगे तो ये एक्सप्लोर हो जाएगा। जब भी आप क्लिक करते हो राइट साइड में किसी भी मेन्यू में किसी भी ऑप्शन पर, ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उसके सब ऑप्शन दिखाई देते हैं, वो एक्सप्लोर हो जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सब टूल से। सब टूल पर आपने क्लिक किया, एक्सप्लोर हो गया। इस साइड में देखो, यहाँ से आप क्लिक करके अप एंड डाउन कर सकते हो, उस पूरे के पूरे ऑप्शन आपको उसके अंदर के दिखाई देंगे। तो आप देखोगे ये सब टूल और ये ज्योमेट्री का ऑप्शन आ रहा है। सब टूल को जब क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ज्योमेट्री का अगला ऑप्शन आ रहा है, ये पूरा एक पैनल आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से ये लाइन एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है ये। तो इसके अंदर ये सारे के सारे ऑप्शन जो आ रहे हैं वो सब टूल के ऑप्शन आ रहे हैं। तो हम समझते हैं इसको पहले बारी बारी से, नीचे भी हम सारी चीज़ें देखेंगे। तो आज हमें सब टूल को कवर करना है। आप देखो यहाँ पर, जैसे हमने सब टूल को क्लिक किया तो यहाँ पर बहुत सारे लेयर्स फॉर्म में आ गए। जैसे आपने फोटोशॉप पे काम किया होगा तो वहाँ पर लेयर बनती हैं। लेयर क्या होती हैं? छोटे छोटे पार्ट को एक लेयर में रखा जाता है ताकि हम आसानी से अपने टिपिकल से टिपिकल मॉडल पे काम कर पाएँ। अगर छोटे से पार्ट में कोई प्रॉब्लम आई तो सेम वही लेयर डिलीट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज हमें पूरा मॉडल डिलीट करना पड़ेगा अगर हमारे पास ये लेयर नहीं होंगी। तो देखिए, सब टूल में ये लेयर्स बन के आ रही हैं, छोटी छोटी सी लेयर, इन्हीं को हम कहते हैं सब टूल। तो एक सब टूल में एक मॉडल छोटा सा रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो आप देखोगे किसी भी लेयर के सामने ये आई बटन बन के आ रही है, ये विजिबिलिटी के लिए होती है। अगर आपने किसी भी विजिबिलिटी वाले बटन को क्लिक कर दिया तो उसमें जो भी सब टूल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट या पार्ट रखा होगा वो आपका हाइड हो जाएगा। देखिए, जैसे यहाँ पर ये बैक कवर में बैग रखा हुआ है तो हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो वो हाइड हो चुका। अब ये शील्ड जो इसके लगी हुई है चेस्ट में, ये क्लॉथ जो है इसको डिलीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है वेस्ट में, इसको भी हाइड कर सकते हैं। ऊपर ये गॉगल लगा हुआ है, कहीं पर गॉगल आपको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो गूगल कहाँ पर है। यहाँ पर देखिए ये स्लाइडर पीला कलर का ऑप्शन बना हुआ है, स्लाइडर नीचे आप क्लिक करोगे तो और भी ये लेयर्स नीचे बनी हुई हैं जिससे आप नीचे तक जा सकते हो। तो गूगल के लिए देखो एक ये लेयर आ रही है, अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ये देखो, यहाँ से हम इसके गूगल को भी हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको हाइड कर सकते हैं। ये स्लाइडर है साइड में, अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट बने हुए हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देंगे जिसके लिए आपको ये स्क्रॉल करना पड़ेगा अप एंड डाउन। ऊपर एक विजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर लिखा है विजिबल काउंट, इसमें 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भी ये शो होगा इसमें 6 आइटम तो आपको दिखाई देंगे, 6 सब टूल तो आपको दिखेंगे, बाकी के सब टूल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये विजिबल काउंट को अगर आप बढ़ाओगे तो नीचे देखो ये पैनल भी बढ़ता जा रहा है, अभी कितने हो गए 11, तो आपको ये 11 सब टूल दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं, और आप स्लाइडर का भी यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। तो अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट पे काम करना है, सारे ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करना है तो कैसे करेंगे? तो अपने कीबोर्ड के शिफ्ट बटन को आप प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो आई बटन बनी हुई है इसके ऊपर, तो केवल आपका गूगल दिखाई देगा। अब आपको कीबोर्ड से एफ प्रेस करना है फॉर फेस, जिससे आपका गूगल आपके पास में आ जाएगा। अब इसके डिटेल पार्ट पे आप काम कर सकते हो आसानी से। अब आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है तो ऑल्ट बटन के साथ में किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो वो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर लेयर पे सिलेक्ट हो जाता है। ये देखिए, ये लेयर सिलेक्ट हो चुकी है, ठीक है। आप यहाँ पर ये स्ट्रैप बने हुए हैंड के ऊपर, यहाँ पर ऑल्ट के साथ में अगर क्लिक करते हैं तो देखिए ये सिलेक्ट हो गए हैं और यहाँ पर ये लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। आप यहाँ पर इसके क्लॉथ पे यहाँ पर काम कर सकते हो, देखिए ये लेयर सिलेक्ट हो चुकी है। तो अब आप इस पर काम कर सकते हो आसानी से। तो आपको ऑल्ट के साथ में लेयर सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से भी आप लेयर सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए, हम डायरेक्टली यहाँ पर लेयर पे क्लिक कर रहे हैं, ये लेयर हमारी सिलेक्ट हो गई है जो ग्लव्स पहने हुए हैं। लेकिन अगर आपको यहाँ से नहीं करना है, आपको यहाँ से करना है ऑल्ट के साथ में, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर कर दिया,
जो भी लेयर आपकी सिलेक्ट हो गई, अगर आप शिफ्ट के साथ में उस पर क्लिक कर देते हो तो वही केवल लेयर आपको दिखाई देगी। तो आपने आल्ट के साथ कैसे किया, आल्ट के साथ आप लेयर सिलेक्ट कर रहे हो डायरेक्टली स्क्रीन पर आल्ट के साथ में, और शिफ्ट के साथ में क्या कर रहे हो, इंडिविजुअल किसी एक ऑब्जेक्ट पे अगर आपको काम करना है तो आप उस लेयर पर क्लिक कर रहे हो। तो आपने शिफ्ट भी देख लिया, आल्ट भी देख लिया, ठीक है। नीचे चलते हैं कुछ ऑप्शन वहाँ पर भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, हाँ एक चीज़ और है, अगर आपने शिफ्ट के साथ में इस पर क्लिक कर दिया है तो सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, पर अगर आपको लगता कोई और ऑब्जेक्ट भी आपको देखना है तो आप ये जैसे ग्लव्स देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से आई बटन जो विजिबल बटन है इसको ऑन कर दीजिए, देखिए वो मल्टीपल आपको ऑब्जेक्ट देखने तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमने ये भी ऑप्शन कवर कर लिया। अब नीचे चलते हैं थोड़ा इसके, यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑल का एक ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो जो सब टूल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं लिस्ट ऑल में, वो सारे के सारे सब टूल आपको थोड़े से बड़े आइकन के साथ यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये डेमो सोल्जर का जो बॉडी पार्ट है वो हमने लेयर सिलेक्ट करी है, देखिए यहाँ पर यही लेयर सिलेक्ट हुई है। फिर से आप लिस्ट ऑल में जा करके यहाँ से फिर से जस्ट की एक ये जो बूट्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं तो ये देखिए बूट की लेयर सिलेक्ट हो गई है। तो आप ऑल्ट के साथ में भी लेयर को डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो और लिस्ट ऑल में जाके भी कर सकते हो और यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, नीचे देखिए ये अप एंड एरो बने हुए हैं। तो ये एरो क्या होते हैं, सिलेक्शन के लिए होते हैं लिस्ट की, जैसे ये देखिए लेयर अभी सिलेक्ट है, अगर आप डाउन बटन क्लिक करोगे तो उसके नीचे की लेयर सिलेक्ट हो जाएगी, वो देखिए उसके नीचे की लेयर, उसके नीचे की लेयर, उसके ऊपर की लेयर, यही काम आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके कर सकते हो। यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन बन के आ रहे हैं, इससे क्या होगा लेयर सिलेक्ट नहीं होगी, लेयर अप एंड डाउन होगी, इस लेयर का सीक्वेंस सेट कर सकते हैं। लेट्स की ये बॉडी का पार्ट है ये नीचे होना चाहिए, तो हम इस लेयर को पहले सिलेक्ट कर लेंगे और ये नीचे वाला ऑप्शन आ रहा है इसको क्लिक करेंगे तो देखिए बॉडी नीचे आ गई है, राइट। अब ये ऊपर वाला ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपर वाला जो एरो आ रहा है वो हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि ये इससे ऊपर नहीं जा सकता है। इसी टाइप से अगर आप नीचे आओगे सबसे नीचे बॉटम में जहाँ पर आपका लास्ट ये बूट है तो ये नीचे बॉटम का अब इससे नीचे नहीं जा सकते इसलिए ये एरो भी अब काम नहीं करेगा, इसके ऊपर जा सकते हैं तो इसको ऊपर भेज सकते हैं, देखिए वन बाई वन आप इसको ऊपर भेज सकते हैं। इसी टाइप से ग्लव्स को अगर नीचे लाना है तो आप ये बटन इससे आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। अब आपको लगता है कि किसी भी लेयर को बहुत सारे लेयर में ऑब्जेक्ट रखे हैं ऐसे समझ में नहीं आएगा तो हम रीनेम कर सकते हैं, कैसे, जैसे ये शर्ट है इसको क्लिक किया यहाँ से रीनेम का देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है तो लेयर पहले सिलेक्ट करी और यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं माई शर्ट, जो भी आपको नाम लिखना है आप लिख सकते हो। तो यहाँ देखिए माई शर्ट ये अपडेट हो गया, तो यहाँ से हम पहले लेयर क्लिक करेंगे और जिस भी लेयर का नाम हमें चेंज करना है यहाँ से रीनेम पे क्लिक करके हम चेंज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है डुप्लीकेट का, तो हम किसी भी लेयर को उसकी कॉपी बना सकते हैं डुप्लीकेट से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये माई शर्ट है इसी की डुप्लीकेट करना है तो यहाँ से अगर हम डुप्लीकेट करेंगे तो जो लेयर सिलेक्ट होगी उसका डुप्लीकेट उसके ठीक नीचे आ जाएगा, तो हम यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे तो अब देखिए ये जो माई शर्ट है माई शर्ट वन नाम से उसके ठीक नीचे आ गया है, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस होगा ठीक उसके नीचे आ जाएगा डुप्लीकेट। जस्ट ये बूट का अगर डुप्लीकेट करना चाहते हैं डबल लेयर बनाना चाहते हैं हम इसकी तो डुप्लीकेट कर देंगे, देखिए बूट की डबल यहाँ पर, अब इसका सेम नाम है बूट बूट वन, तो आप इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से रीनेम कर सकते हैं। बूट के अलावा हम इसको बोल सकते हैं कुछ भी नया नाम दे सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन, जो भी नाम आपको लगता है वो नाम आप दे सकते हैं। पर तो देखिए नाम भी चेंज हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक अपेंड का ऑप्शन आ रहा है। अपेंड का मतलब होता है कोई नई चीज़ इसमें डालना है, सब टूल में कोई नई चीज़ ऐड करनी है। तो जितने भी पार्ट्स हैं ये तो ऑलरेडी हैं पर हम इसमें कुछ अपेंड करना चाहते हैं, तो अपेंड करने के लिए हमें कहीं से कुछ लेना पड़ेगा। तो हम चलते हैं अपेंड पे पहले क्लिक करेंगे, तो जो भी अपेंड पे क्लिक करेंगे, अपेंड का मतलब होता है जो ये लिस्टिंग है जहाँ पर सब टूल आ रहे हैं बिल्कुल लास्ट में जो लास्ट लेयर है उसके नीचे ये ऐड करेगा कोई नई चीज़, तो हम अपेंड कर देंगे। यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, इनमें से कोई ऑप्शन अगर आपको अपेंड करना है लेट्स की ये रिंग अपेंड करना, तो ये देखिए रिंग आ गई, कहाँ पर आई है बिल्कुल लास्ट में आई है जहाँ पर ये हमारा ग्लव्स था उसके ठीक नीचे। तो अपेंड से जब भी कोई चीज़ नई ऐड करेंगे आप सीन में तो वो हमेशा यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मूव कर सकते हैं और इसको कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, ये देखिए ऑल्ट के साथ हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ इस क्लिक करेंगे लेयर सिलेक्ट हो गई और इसको मूव करके हम कहीं पर भी रख सकते हैं। इसके बाद इसको छोटा बड़ा करके स्केल कर सकते हैं, फिर जो भी करना है आप इसके साथ वो करिए, ठीक है। तो ये अपेंड हो गया।
अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपेंड तो आपने कर लिया, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये ग्लव्स है। अब इस ग्लव्स को अगर हमने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से हम कोई नई चीज़ लेते हैं, अपेंड नहीं कर रहे, ध्यान रखना अपेंड नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली ग्लव्स को सिलेक्ट किए हुए हैं और ये टूल में जा करके हम कोई नया ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेट्स कि यहाँ पर एक कोन लेते हैं, जैसे कोन को क्लिक किया आप ध्यान देना यहाँ पर वो सारे सब टूल गायब हो चुके हैं जो थे यहाँ से, और केवल नया सब टूल आ गया जो अभी आपने सिलेक्ट किया हुआ। तो ध्यान रखना जब भी सब टूल के अंदर सीन के अंदर कोई भी नई चीज़ ऐड करनी है तो आपको अपेंड के थ्रू करनी है, नहीं तो आपका जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो सब चले जाएंगे और नया ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। तो वो कहाँ चला गया है, वो यहीं कहीं होगा, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे ऊपर, यहाँ पर सारे आ जाते हैं। आप अगर इसको क्लिक करोगे, देखिए ये आ गया एक सब टूल में, एक सब टूल ये था आपका, यहाँ क्लिक किया तो ये सारा वापस से आ गया। तो ये डायरेक्ट आप अगर क्लिक कर रहे हो विदाउट अपेंड तो सब चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि एग्जिस्टिंग सब टूल के पार्ट रहें और नया सब टूल भी जो ऑब्जेक्ट हम ऐड कर रहे हैं वो भी है, तो आपको अपेंड के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, अपेंड जो भी आएगा वो हमेशा लास्ट में ऐड करेगा चीज़ों को, लेकिन आपको लगता है कि कोई ऐसी चीज़ लाना चाहते हैं जो बीच में भी ऐड हो, जस्ट कि ये जो आपके पास में ये ऑप्शन बना है इसके नीचे एक लेयर आनी चाहिए, ठीक है, तो आप अपेंड के थ्रू नहीं करेंगे, इंसर्ट के थ्रू काम वही होगा लेकिन उसके नीचे आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हम एक स्फीयर लाना चाहते हैं तो ये स्फीयर आ तो गया, लेकिन देखिए स्फीयर लास्ट में नहीं आया है, बिल्कुल लास्ट में यहाँ नहीं आया, कहाँ आया, हमने जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था ये उसके ठीक नीचे आया। तो इंसर्ट या अपेंड दोनों ही नए ऑब्जेक्ट को ऐड करने का काम करते हैं, अपेंड हमेशा लास्ट में ऐड करेगा, इंसर्ट हमेशा सिलेक्टेड लेयर के नीचे ऐड करेगा। ठीक है, उसके बाद में आप इसका क्या करना चाहते हो वो आपकी मर्जी है। डिलीट क्या है, कोई भी ये ऑब्जेक्ट सब टूल के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आ रहे हैं अलग अलग, हमको लगता है वो चीज़ हमें नहीं चाहिए, वो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये डबल बूट बन गए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो उस लेयर को आप पहले सिलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे। ये पूछेगा कन्फर्मेशन कि ये अंडू नहीं कर सकते आप, मतलब इसको कंट्रोल जेड करके वापस नहीं ला सकते एक बार डिलीट हो गया, तो हम इसको कन्फर्म करेंगे, बोले हाँ ठीक है ओके। तो देखिए एक बूट चला गया, ऐसे हमने ऊपर भी कोई चीज़ डुप्लीकेट करी थी किसी चीज़ की, जैसे ये टी शर्ट की, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आर्ल्ड के साथ में इस टी शर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये टी शर्ट यहाँ पर आ गई, तो ये लेयर हमारी सिलेक्ट हो चुकी है, इसको डिलीट कर सकते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिलीट अदर का ऑप्शन आ रहा है, इसका क्या मतलब है, डिलीट का मतलब है जो सिलेक्टेड लेयर उसको डिलीट करेगा। ठीक है, डिलीट अदर का मतलब है जो लेयर सिलेक्टेड है उसके अलावा जो भी लेयर है उन सबको ये डिलीट कर देगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं, तो आप देखोगे जो लेयर सिलेक्ट थी वही रह गई है, बाकी सब चली गई। अब ये क्योंकि अनडूएबल ऑप्शन नहीं होता, उसने वार्निंग भी दी थी, तो हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं वो नहीं हमें मिलेगा। तो अब हम क्या करें, तो हमारे सामने एक प्रॉब्लम यहाँ से आ चुकी है, तो अब क्या करते हैं, फिर से हमें लाना है लाइट बॉक्स में और यहाँ से हमने उस ऑब्जेक्ट को क्लिक किया था, तो यहाँ से हम उस ऑब्जेक्ट को फिर से रिकॉल कर लेंगे। तो अब फिर से आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए एक ऑप्शन और आ रहा है आपके पास में, डिलीट ऑल का। डिलीट ऑल करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देगा, ये कुछ भी नहीं रखेगा, और कभी भी जब कभी भी ऐसा ऑप्शन आपको बीच में स्क्रीन पर या लेयर पर दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये कुछ है नहीं, क्योंकि ये सब टूल जो है उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो रखना, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट अभी नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको भी कवर कर लिया। वापस से लाइट बॉक्स में अगर जा कर के हम फिर से अपने ऑब्जेक्ट को कॉल कराते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा वापस से आ जाएगा। कुछ ऑप्शन और देख लेते हैं यहाँ पर, तो हमने डिलीट अदर देख लिया, डिलीट ऑल देख लिया, ये सारे ऑप्शन देख लिए हैं। कुछ ऑप्शन रह गए जिसको हम आगे कवर करेंगे, मेरे ख्याल से ये सब टूल हमें समझ में अच्छे से आ गया है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नए टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए। थैंक यू।